भाई देख देख चल तो रहा है। ये क्या हो गया भाई? नहीं चल रहा। वॉटर प्रूफ है इसको, क्या हो गया? नहीं चल रहा। पूरी स्क्रीन ब्लैक क्यों होगी इसकी? पता नहीं। अरे यार वो लोगो आया, आया लोगो आया। देख लोगो तो आया पर अटक गया लोगो पर ही। मैंने पहले बोला था पानी में मत लेके जा इसको। मेरे को लग रहा है ये पानी साफ नहीं है, उस वजह से हो गया इस फोन का काम। तो गाइस आईफोन 12 को लेकर हम आ चुके हैं मेघालय में बॉर्डर टेस्ट करने के लिए। तो ये है हमारे पास आईफोन 12 और नीचे की तरफ है एक बहुत प्यारी लोकेशन जहां पर हम इस फोन को पानी के अंदर लेके जाएंगे। और देख लीजिए आप, ये वर्किंग आईफोन है, कोई पोपट नहीं बताया जा रहा है आपका। तो भाई साहब हम आ चुके हैं लोकेशन पर और यहाँ पर होगा आईफोन का वॉटर टेस्ट। तो यहाँ पर करने वाले हम इसका वॉटर टेस्ट। और लोकेशन तो देखो आप, और बारिश भी लगी हुई है, पानी तो बहुत ठंडा है। तो काफी मजा आने वाला है वीडियो बनाने का। और पानी सुपर चिल्ड, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पर, इसको हम डूबने वाले हैं अब। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ आईफोन 12 का वॉटर टेस्ट करने के लिए। इसमें हम सारे मोड टेस्ट करेंगे, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, 4K, 30 FPS, 60 FPS सारा टेस्ट होगा। फिर देखते हैं क्या ये सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। सो आई एम रेडी टू गो। 4K 60 FPS पे बना रहा हूँ तो हमने काफी सारी वीडियो निकाली है, अभी हमने 4K 60 FPS पर निकाली और फोन अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। और अभी हम बनाएंगे 4K और 30 FPS पर, और अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों यूज करेंगे। एक स्लोमो भी निकाल के देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, वो भी देखते हैं कैसा बनता है। अभी कुछ स्लोमो निकालते हैं बढ़िया से और देखते हैं आईफोन 12 कैसा रिस्पांस देता है पानी के अंदर। फिर गाइस आईफोन 12 का काफी मस्त वॉटर टेस्ट चल रहा है और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर नहाने का, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है और ये पूरा कुआं भर चुका है पानी से। अभी बारी है फ्रंट कैमरा की, देखते हैं फ्रंट कैमरा कैसी आउटपुट देता है। जा रहा हूँ मैं फ्रंट कैमरा को लेकर। गाइस ये रहा हमारे पास आईफोन 12, वॉटर टेस्ट इसका हो चुका है और 4-5 दिन भी हो चुके हैं इसे कंटिन्यू यूज करते हुए, अभी तक अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई इस फोन में। और जो स्टार्टिंग में हमने किया था इस वीडियो के, आपने स्टार्टिंग में देखा वो बस ऐसे ही, समझ रहे हो ना, यूट्यूबर व्यूज। तो गाइस अभी बात करते हैं कि पानी के बाद जब हम इसे बाहर लेके आए तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखो इसमें 2 प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, एक तो जब हम इसे बाहर लेके आए तो इसके स्पीकर्स के अंदर पानी चला गया था, जैसे हमने बाकी आईफोन के वॉटर टेस्ट किए थे उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आई थी। और जब कॉल पे बात कर रहे थे तो इसका माइक भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो माइक तो लगभग आधे पौने घंटे का वेट करने के बाद चल पड़ा अच्छे से। और जो स्पीकर्स थे उनमें से पानी खुद निकालना पड़ा, या तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले कर सकते हो आईफोन वॉटर इजेक्ट की, उससे भी स्पीकर्स के अंदर का पानी बाहर निकल आता है, या फिर आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो तो उससे जितना भी पानी होगा आपके आईफोन के स्पीकर्स के अंदर वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो फिर गाइस यही प्रॉब्लम्स हमने फेस की, और उसके अलावा हमारा फोन काफी बढ़िया से काम कर रहा है। और अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो तो
मैं आपको वैसे मना ही करूंगा, क्योंकि अगर आपका फोन वारंटी के अंदर है, पानी अंदर चला गया तो उसकी वारंटी भी खत्म हो सकती है, और अगर खराब हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसमें। मेरा तो टेक चैनल है, हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सारे आईफोन हमने टेस्ट कर लिए, आईफोन 11, 12, 13 प्रो और अभी 13 प्रो मैक्स का भी हम बॉटर टेस्ट करेंगे थोड़ा टाइम बाद। तो ये सारा सीन रहता है आईफोन के साथ में, मतलब सर्वाइव कर लेते हमारे आईफोन। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऐसे पानी में मत लेके जाना जो थोड़ा गंदा है, वरना स्पीकर्स के अंदर डस्ट भी चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है, स्पीकर्स उतनी अच्छी आउटपुट नहीं देते हैं। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक भी है, उसे भी देख लेना। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।